टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यार मैं हमेशा ये लाइन ही बोलती, बट मैं क्या करूँ जब मैं ये लाइन ही ना बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने वीडियो शुरू ही नहीं की अपनी। सॉरी, जोक्स अपार्ट, ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो पार्ट। आज मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ, और वो प्रोडक्ट है स्टेक वर्की के बैड एस काजल। अगर आपने मेरा पर्पल हॉल नहीं देखा तो आप जाके देखो, मैंने ये वाला काजल मंगवाया था। अभी तक आपने देखो मैंने इसको खोला नहीं है, तो आज मैं इसको लगाने वाली थी, तो मेरा मन किया मैं इसका क्यों ना प्रोडक्ट फर्स्ट इंप्रेशन करती हूँ, प्रोडक्ट रिव्यू भी करती हूँ और मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये मैंने purple.com से मंगवाया था, 0.25 ग्राम की ये पैकेजिंग है एंड 125 रुपीज का है। यार इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा था, मैं आपको डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और फरवरी 2018 में बना था ये, जैन 2021 में ये एक्सपायर कर जाएगा। थ्री ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। और ये बोलते क्या है प्रोटिप, इन्होंने काजल लगाने का बस यार तरीका बताया हुआ है और तो कुछ नहीं। आपने जस्ट इसको काजल देखते हैं, इन्होंने क्लेम क्या किया हुआ, ओके इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि वाटर रेजिस्टेंट है, स्मच प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, लास्ट ऑल डे लॉन्ग। तो वाटर रेजिस्टेंट का ये चक्कर है कि जब आप पानी डालो तो उसके ऊपर ये ना इधर उधर नहीं फैलेगा, मतलब जैसे लिक्विड लाइनर्स नहीं होते जो वाटर प्रूफ नहीं होते, हम पानी डालते तो इधर उधर फैल जाते हैं। स्मज प्रूफ है कि ये स्मज नहीं करेगा। अभी मैं लगाऊंगी आपको, मैं ये दिखाऊंगी। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मतलब अगर आपकी आईज में आप नीचे भी लगाते हो या ऊपर वाटर लाइन पे लगाते हो, लोअर वाटर लाइन पे अपर, तो आपको आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टेस्ट किया हुआ है, लास्ट ऑल डे लॉन्ग, अब सारा दिन चलता है। अब देखती हूँ मैं कितना चलता है कितना नहीं चलता। स्टेक वर्की बैड एस काजल इसका नाम है, शेड ब्लैक है इसका। और नाउ लेट्स, आप इसकी पैकेजिंग देखो, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है ये है। यार 125 रुपीस का है, ठीक है, तो आपको आपको वो डिस्काउंट मिल जाता है इसके ऊपर, तो काफ़ी ये सस्ता काजल है, अफोर्डेबल में आता है। लेकिन अभी क्या है कितना चलता है वो हम देखते हैं। इसको मैं ओपन करती हूँ, मैंने अब इसको ओपन कर लिया, ऐसे मैंने इसको खोल दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि अभी मैंने अपने फेस पे ना ये लगाया, सिर्फ ब्लू हेवन का एक्सप्रेशन स्टिक लगाई हुई है एंड पाउडर सेटिंग की है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, यार देखो ये कितना अच्छा एक्सप्रेशन स्टिक है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी, इसका रिव्यू नहीं देखा, तो आप जाके चेक करो इस रिव्यू को एंड फिर आप मेरे को बताना कैसा लगा। ये देखो मेरे को कितना, और अभी मैंने सिर्फ अपने आईब्रो सेटिंग कर ली है, लिपस्टिक लगा ली, अब देखो मैंने अपने आईज पे कुछ नहीं किया हुआ। ओके अब मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो यार जैसे ये लैक्मे इंस्टा लाइनर वगैरह नहीं आता, बिल्कुल वैसे इसकी पैकेजिंग है। और इसके ऊपर लिखा हुआ इन्होंने SQ बैड एस काजल, नीचे भी इन्होंने लिखा है वाटर रेजिस्टेंट, स्मज प्रूफ एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, स्टेक वर्की इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने इसके ऊपर अपना वो डाला हुआ है, यार क्या एड्रेस वगैरह अपना डाला हुआ है, ठीक है। चलो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, आराम से खुल जाता है, टिक करके बंद हो जाता है, बैग में डालो, ट्रैवल फ्रेंडली है, अच्छा है। ये देखो वाह, ठीक है, आपका ये कैप गिरने नहीं वाली है, बड़ा अच्छा है, बिल्कुल जैसे लैक्मे के काजल वगैरह नहीं है वैसे है। और चलो मैं इसको दिखाती हूँ, ये रोटेटेबल है ऐसे, आप इसको घुमाओ ये खुल जाएगा। ओके अगर मैं इसको सारा घुमाऊँ तो देखो कितनी कितना प्रोडक्ट है, नॉट बैड। लैक्मे वगैरह का भी इतना ही आता है प्रोडक्ट, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो 180 रुपीज़ में हार्डली कभी आपको डिस्काउंट मिल जाए तो मिल जाए, पर ये वाला 125 का था, यानी मेरे को शायद 100 रुपीज़ में मिल गया था, ठीक है। काफ़ी प्रोडक्ट दिया हुआ इन्होंने एंड सबसे पहले तो मेरे को काजल में ये देखना कि ये ब्लैक है कि नहीं, जेट ब्लैक है कि नहीं है। चलो मैं सबसे पहले इसको लगा के देखती हूँ, वाओ वन स्वाइप एंड इट्स टोटली ब्लैक। अच्छा अब मैं बताऊँ, स्टेक वर्की का ये सेकंड प्रोडक्ट है जिसको मैं रिव्यू कर रही हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट था इनका स्टेक वर्की के आईलाइनर, यार बेस्ट लाइनर थे, लैक्मे इंस्टा लाइनर को भी उन्होंने फील कर दिया, वाटर प्रूफ था, वो क्लेम उन्होंने किया था वाटर प्रूफ था, एग्जैक्टली वो वाटर प्रूफ था। मुझे उसको पता है, मैंने उसको क्लेंजिंग मिल्स के उतारा, वो उतरा नहीं, मुझे उसको गार्नियर के माइसेलर वाटर से ऑयल इन्फ्यूज वाले से उतारना पड़ा। बहुत सही स्टेक वर्की का आईलाइनर था। मैं काजल का देखती हूँ, ये थोड़ा सा सूख जाए ना तो मैं इसको स्मज वाला करके देखती हूँ। देखो अभी ये आई गेस थोड़ा सा स्मज तो देखो ये कर रहा है, स्मज तो इसने किया। अब हम वैसे भी हम इतनी बुरी तरह से तो इसको रगड़ते नहीं है, स्मज तो इसने किया है, अब नहीं कर रहा, थोड़ा सा देखो ये स्मज तो कर रहा है, ठीक है, स्मज प्रूफ तो नहीं है, स्मज तो इसने हल्का सा किया है। एंड वाटर रेजिस्टेंट का मैं देख, वाटर रेजिस्टेंट का आप देखो
मैं इसमें पानी डाल के लेके आई हूँ वॉशरूम से। तो ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि पानी की वजह से ये हो रहा है, ये तो ऑलरेडी थोड़ा सा स्मच किया हुआ था। वाटर रेजिस्टेंट है लेकिन स्मच प्रूफ तो नहीं है, स्मच तो इसने किया है। चलो अब मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। मैं अपने वाइट मेबलिन के वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट यू नो मिरर में देखूंगी और लगाऊंगी। आई होप यू कैन सी। आप देख रहे हो एक स्वाइप में इसने ब्लैक कलर दिया। राइट अब मैंने एक विंग तो ड्रॉ कर दिए, अब ये जो लाइंस बीच में जो रहेगी इसको मैं अब फिल करती हूँ। राइट सुपर ब्लैक है, नाइस। अब मैं इधर भी विंग ड्रॉ करती हूँ। इजी है यार, जैसे लैक्मे वगैरह की होती है या मेबलिन की होती है वैसे ही है। बस स्मज वाले टेस्ट को इसने फेल कर दिया, बाकी वाटर रेजिस्टेंट तो था और जेट ब्लैक है। राइट चलो अब मैं जो गैप्स है उनको फिल करती हूँ। डन ओके। अब मैं लोअर वाटर लाइन पे, दोनों तरफ लगा रही हूँ। मेरे से इधर उधर हो गया। अब लगा लिया, अपने ऊपर भी लगा लिया, लोअर वाटर लाइन पे भी लगा लिया, लेकिन आपका लाइनर कभी भी कंप्लीट नहीं होता जब आप इसको ऊपर ना लगाओ, ऊपर वाली वाटर लाइन पे। तो मैं तो ऐसे खींच के लगाती हूँ। कई लोग आईज बंद करके लगा लेते, कंफर्टेबल होते हैं, मैं नहीं कंफर्टेबल। ऐसे क्या होता है ना, जब आप ऐसे किसी को देखते हो तो वाइट वाइट नजर नहीं आना चाहिए। मैंने अपना काजल लगा लिया, ऊपर भी लगा लिया, नीचे भी लगा लिया। एंड उसके बाद अगर मैं इसका स्मज करूं तो ये स्मज कर रहा है, थोड़ा बहुत तो स्मज कर रहा है, लेकिन हम इंटेंशनली तो अब यार इसको रब करते नहीं है। प्लस अगर आपको 100 रुपीज में काजल चाहिए, 125 का डिस्काउंट में आपको 9900 का मिल ही जाता है। आप purple.com पे इसको, ये वहीं पे मिलेगा स्टे कोकी का एक्सक्लूसिवली, उनके पास ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड अगर आपको यू नो अफोर्डेबल लाइनर चाहिए एंड ब्लैकेस्ट ब्लैक चाहिए, या ये ब्लैक तो है, तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके आई लव द प्रोडक्ट। आप कभी आप यू नो रोज लगाने के लिए आप इसको बड़ा अच्छा है एंड अफोर्डेबल है, तो मुझे तो अच्छा लगा। आप अपना एक बार लगा के देखो, खरीद के देखो, यूज करके देखो। एंड डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू हिट दैट बेल बटन ताकि फ्यूचर में नोटिफाइड रहो जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, ताकि आपको पता लगे। और डू लाइक माई वीडियो। Till then, bye.